हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन द कंसिस्टेंसी इन साइलेंस यूट्यूब चैनल। सो इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव कवर्ड द प्राइमरी और प्लैनेटरी विंड्स, सेकंड द सेकेंडरी विंड्स, एंड टुडे वी विल बी स्टडिंग द टर्शरी विंड्स, ऑल्सो नोन एज लोकल विंड्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। We will be covering this topic into two parts. The first of all, the local winds, which are originated due to the topography or the geography of the region. In this, we will study two kinds of winds. The first is along the coast, land and sea breeze. The second is on the mountains. A subpart of it we have covered in the previous lecture, the katabatic winds. So we will cover the mountain breeze and the valley breeze. In the second part, we will cover the winds, the local winds, which originates in a particular region. So that is region wise winds. So isme aap do topic mein bifurcate kar sakte hain. लैंड एंड सी ब्रीज, देखिए कोई डायग्राम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग और कैसे डायग्राम बनाते हैं वो आपको पता चल जाएगा। कोई भी टाइम ले लीजिए, है ना, विच एवर यू लाइक, द डे टाइम और द नाइट टाइम। मान लीजिए मैंने नाइट ले लिया, कोई भी टाइम है, रैंडम टाइम है, ठीक है, नाइट है तो सेकंड डायग्राम वी विल ड्रॉ ऑफ डे। नाइट टाइम है, वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट विल टेक मोर टाइम टू हीट अप एंड इट विल टेक मोर टाइम टू कूल डाउन। नाइट टाइम इट मींस द कूलिंग डाउन फेज, एज वाटर As water has high heat capacity, it means it will cool down slower. It means land will cool down faster. The air above the land will cool down faster. It means there is a high pressure created on the land. So there's a high pressure creation on the land. Why? Because the specific capacity of water is very high. In night time, it is a cooling phase. Night mein cool hoti hain cheeze. So land will cool much faster than the sea or ocean. It means there's a creation of high pressure on the land and there's a creation of low pressure over the ocean. Har cheez comparative ho rahi hai. Understood? Ye maan lijiye 18 degree hai, ye 19 degree hai. ये 18 डिग्री है, ये 18.5 डिग्री है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। सो विंड विल ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो विंड ब्लो कर दीजिए। अंडरस्टूड? इसमें देखिए डे टाइम है, हु विल गेट्स हीट अप मोर फास्टर, ऑफकोर्सली द लैंड विल गेट हीट्स अप मोर फास्टर, सो देयर इज अ हाई प्रेशर ओवर दिस थिंग एंड there is a low pressure over land. Why? Because the land heats up much faster. So high pressure से low pressure जाएगी. This is high pressure to low pressure. Now you have to tell me. मैंने सारे diagram बता दिए. I have explained you the concept. Which is land breeze and which is sea breeze? आप बताइए. Because in the previous classes, I have told you about the nomenclature of the air or wind. Air or wind mein general difference kya hai? Air means the vertical flow of air, or wind bhi bol lijiye. Kya bolenge? Gases. So vertical movement of gases is known as air current. The horizontal movement is known as wind.
तो इतना छोटा सा डिफरेंस है बस. यू कैन बट यू कैन यूज़ दिस टर्म साइमल्टेनियसली इन योर जनरल स्पीच. तो नोमेनक्लेचर आप कुछ याद आया या नहीं आया? आई हैव टोल्ड यू इन द प्लैनेटरी विंड्स इटसेल्फ वी विल नेम अ विंड फ्रॉम इट्स ओरिजिन. सो ओरिजिन से वो कहाँ जा रही है हम उस पर नेम नहीं करते हैं. ओरिजिन से वो कहाँ जा रही है उस पर नेम नहीं करते. वी विल नेम द विंड ऑन इट्स ओरिजिन. ये जा रही है विंड, कहाँ जा रही है? ईस्ट में जा रही है भाई. तो उसका नाम क्या होगा? ईस्टर्ली? नहीं भाई, देखिए फ्लो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वेस्टर्ली. सो दिस इज वेस्टर्ली विंड. अंडरस्टूड? तो अब देख लीजिए, बहुत आसान हो गया. विंड यहाँ से यहाँ जा रही है, ये क्या है? लैंड है. सो दिस इज लैंड ब्रीज. यहाँ लिख लीजिए, यहाँ देखिए विंड इज फ्लोइंग फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड, सी ब्रीज. नाउ इंटररिलेट द थिंग्स. सी ब्रीज आर अकरिंग ड्यूरिंग द डे पार्ट. इट मीन्स अ पर्टिकुलर इफेक्ट दैट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास, मैरीटाइम इफेक्ट और मॉडरेटिंग इफेक्ट. सो वी कैन विटनेस इट इन द रियल टाइम इन द कोस्टल रीजन्स. इन द कोस्ट रीजन्स वैन देर आर समर्स यू विल टेंड टू फील वेरी कूलर वैन यू गो देयर इन द कोस्ट इन द बीचेस. तो आपको बहुत कूल लगेगा सराउंडिंग से इन द समर्स. जब आप विंटर में चले गए तो यस, फिर भी आपको थोड़ा सा वार्म लगेगा, उतनी ज़्यादा सीवियर कोल्ड नहीं लगेगी, बहुत माइल्ड कोल्ड लगेगी आपको वहाँ. सो दिस इज नोन एज मॉडरेटिंग इफेक्ट. सो सी ब्रीज देखिए इसीलिए होता है ये मॉडरेटिंग इफेक्ट. क्यों? क्योंकि डे में अगर समर्स है और डे में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो क्या होगा, जो हमारे पास सी की जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो दे विल ट्रेवल टुवर्ड्स द लैंड एंड हैंस कॉज द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द लैंड. वन मोर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस. इन रिसेंट टाइम्स देर आर मोटराइज बोट्स एंड ट्रॉलर्स. आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू फिशरमैन. बट इन पास्ट 100 ईयर्स और 50 ईयर्स मान लीजिए, दीज मैकेनाइज ट्रॉलर्स वर नॉट देयर टू एड द फिशरमैन. हैंस द फिशरमैन विल यूज द विंड्स. सो दे नीड द विंड्स टू गो आउट इन द ओशियंस, कैच देयर फिश एंड कम बैक टू द कोस्ट. अब उसको इसके साथ रिलेट कीजिए. वी नीड द एयर और विंड्स डेट विल फ्लो और सेल टुवर्ड्स द ओशन. कब सेल हो रही है? नाइट में. सो द फिशरमैन इन द एंशंट ईरास विल वेंचर इन टू ओशंस एट नाइट टाइम, क्योंकि सेल उसी से विंड से हम करते हैं. ये देखिए फिश पकड़ ली, दे विल कम ड्यूरिंग द डे ये वाली विंड के साथ. सो दिस इज द सेकेंड प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड एंड सी ब्रीज. अब एक और चीज़ देख लेते हैं हम. दूसरी चीज़ हमारे पास क्या थी? माउंटेन एंड वैली ब्रीज. बहुत आसान है, एक चीज़ तो आपको मैंने बता ही दी है. सारे कॉन्सेप्ट्स का खेल है, इसके बाद हम बहुत अच्छे अच्छी चीज़ें भी पढ़ेंगे. देन वी विल कवर अवर साइक्लोन्स, तब तो आपको बनाना भी आ जाएगा, आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है. इसीलिए ज्योग्राफी एक अच्छा चैप्टर है. इफ़ यू टेंड टू फॉरगेट सम ऑफ द थिंग्स देन वहीं एग्जाम हॉल में बैठ के आप, मेंस में तो टाइम मिलेगा नहीं, बट प्री में आपके पास बहुत टाइम रहेगा कि आप उसको ड्रॉ करके आप देख लेंगे. साइक्लोन्स की बात कर रहा हूँ, माउंटेन वैली ब्रिजेस की बात कर रहा हूँ. इसमें आपने क्या सीखा है? वी हैव अप्लाइड अवर प्री ऑक्यूपाइड नॉलेज ओनली, और कुछ मैंने नोमेनक्लेचर दे दिया. अभी देखिए माउंटेन एंड वैली ब्रीज, हमारे पास पहले की जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है वो क्या है? विंड का नोमेनक्लेचर कैसे होता है? फ्रॉम इट्स ओरिजिनेशन. माउंटेन, अगर माउंटेन ब्रीज बोल रहा हूँ मैं तो कहाँ से बहेगी? ऑन द टॉप ऑफ द हिल और फ्रॉम द वैली, कहाँ से बहना चाहिए? माउंटेन ब्रीज, इसका मतलब माउंटेन से नीचे बहेगी. वैली ब्रीज, वैली से ऊपर बहेगी. एक चीज़ तो हम पहले से कवर कर चुके हैं, वी हैव कवर्ड द वैली ब्रीज, है ना? वैली ब्रीज ही कवर किया. अभी देख लेते कौन सा कवर किया, यहाँ दिख जाएगा हमें. कोई भी ले लीजिए, डे या नाइट बताओ. इस बार पहले हमने नाइट लिया था, इस बार डे लेते हैं.
तो ये हो जाएगा हमारे पास नाइट। डे है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, सो दिस विल हीट अप फास्टर और दिस विल हीट अप फास्टर। ऑफकोर्सली दिस विल हीट अप फास्टर, क्यों? पहले तो सन से क्लोज है, उसके बाद ओपन एरिया है तो डायरेक्ट रेज ऑफ सन, सो दिस विल टेंड टू हीट अप मोर फास्टर एंड हेंस वी हैव द क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर। कंपैरेटिवली देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर ओवर हेयर, हाई प्रेशर ओवर हेयर, सो द विंड्स विल गो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऊपर चली जाएंगे। अब भाई ऊपर चली गई विंड्स, तो माउंटेन ब्रीज है या वैली ब्रीज है? कहाँ से जा रही है? वैली से जा रही है। ओरिजिन क्या है? वैली है। सो ये क्या हो जाएगी? वैली ब्रीज, सिंपल। दिस ब्रीज इज ऑल्सो नोन एज एनाबैटिक, सो दूसरी कौन सी हो गई? कैटाबैटिक। याद करें मुश्किल होगी? नहीं होगी भाई, क्यों? लड़कों को भी लड़कियों को भी, एना लड़के का नाम है, लड़की का नाम, हाँ जी। तो पिकनिक कहाँ मनाएंगे? माउंटेन हिल पे। वैली पे कौन मनाता है? माउंटेन हिल पे जाते हैं, वहाँ हम ट्रैकिंग करते हैं और सारी चीज़ें पिकनिक करते हैं। सो एना जो हमारी फ्रेंड है उसके साथ हमको माउंटेन पे जाके ट्रैकिंग करनी है, हो गया याद। और जो दूसरी बची वो कैटाबैटिक है। अब ये डे देख लिया हमने, अब नाइट, नाइट के टाइम कूल होगा या वार्मिंग होगी? ऑफकोर्सली कूलिंग होगी, कूलिंग होगी, तो यहाँ की जल्दी कूलिंग होगी, यहाँ की जल्दी कूलिंग होगी, ऑफकोर्सली यहाँ की जल्दी कूलिंग होगी, ओपन एरिया है, जल्दी कूल डाउन, जल्दी कूल करेगा तो हाई प्रेशर। कंपैरेटिवली हेयर विल बी द लो प्रेशर। अब ध्यान से सुनिए, हाई प्रेशर, दीज आर कूलर विंड्स, इट मीन्स दे हैव मोर वेट, है ना, उनके पास डेंसिटी उनकी ज़्यादा है, सो दे विल टेंड टू गो डाउन द वैली स्लोप। तो ये यहाँ से नीचे जाएंगी और ऊपर फेंक देंगी वार्म विंड्स को, तो ये वार्म जो लो प्रेशर है इसको ऊपर फेंक देंगी और एक खुद नीचे वैली ऑक्यूपाई कर लेंगी, जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। कौन सा पर्टिकुलर सब पार्ट ऑफ टेम्परेचर है ये जो हमारे टॉपिक में पढ़ा है हमने? टेम्परेचर इन्वर्जन। वी हैव एट ग्राउंड द हाई प्रेशर एंड अबाउट इट द लो प्रेशर, सो देर इज अ टेम्परेचर इन्वर्जन गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोकल विंड, दैट इज नोन एज द माउंटेन ब्रीज और द कैटाबैटिक। कहाँ से आ रही है? ऊपर से नीचे आ रही है, तो माउंटेन ब्रीज हो गई। अंडरस्टूड? इसके सिग्निफिकेंस हमने बहुत अच्छे से देखी है, फॉग, ड्यू, मिस्ट, देन फ्रॉस्ट हो जाएगा, उसके बाद द पीपल डोंट लिव एट द वैली फ्लोर्स, द क्रॉप प्रोडक्शन, द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स, द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज विल बी डन ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स एज वेल एज देर विल बी सेटलमेंट्स मेड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल, सो दे विल ट्राई टू अवॉइड द वैली फ्लोर। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कूल विंड्स एट द नाइट टाइम, तो उससे उनको जुकाम हो जाएगा और जो भी हेल्थ कंडीशन हो जाएंगी वो सब हो जाएंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टोपोग्राफी पार्ट। Now the region wise we witness two types of winds, आपके लिए थोड़ा अलग मार्कर से यूज़ करता हूँ मैं, अच्छा लगेगा आपको भी। चिन्यूक और फोन, whenever I will use red markers it is for the warm winds, whenever I will use the blue marker it will for cold winds. Chinook or Phoen, these are two different types of wind flowing in two different regions. The Chinook wind is also known as snow eater. It is present in the zone of westerlies. So देखिए, अगर हम USA का imagine कर लीजिए, क्योंकि time लग जाएगा map बनाने में, imagine this is the map of the USA. There is a zone of westerlies here. Westerlies ऐसे डायरेक्शन में बहती हैं।
यहाँ हमारे पास एक माउंटेन रेंज है, कॉर्डिलेरा है, किसका? रॉकीज़ का, अगर आपको ध्यान है तो. सो दिस चिन्यूक एयर फ्लोइंग इन द जोन ऑफ वेस्टर्ली, दीज आर लोकल विंड्स, दे विल टेंड टू ग्लाइड ऑन द स्लोप्स ऑफ द रॉकीज एंड देन दे विल डिसेंड द स्लोप ऑफ द रॉकीज. ड्यू टू दिस डिसेंड, सो वही वाली चीज़ आ जाएगी, नॉर्मल लैप्स रेट हो जाएगी. सो जब ये नीचे जाएगी, सो इट विल बिकम ड्राई एंड वार्म विंड. दिस पर्टिकुलर विंड ब्लोइंग इन द समर्स, सॉरी इन द विंटर्स, विल टेंड टू मेल्ट द स्नो विच आर प्रेजेंट एट द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकीज. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट वेयर दे आर फ्लोइंग. On the eastern slopes of Rockies, when the Chinook wind will descend, it will melt all the ice or snow in that particular region. Hence, making that particular region an agriculture region even in the season of winter. That's why it is known as snow eater. Winters mein in the USA bahut hi zyada thandi padti hai. There will be huge amount of snow, but तो उससे क्या होता है, उसका क्या बोलेंगे, कंक्लूजन तो नहीं बोलेंगे, उसका इफेक्ट क्या होता है कि वहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ स्टॉप हो जाती हैं कुछ महीनों के लिए. बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस चिनूक विंड डेट इज़ फ्लोइंग ऑन द ईस्टर स्लोप ऑफ द रॉकीज, द स्नो विल मेल्ट अवे ड्यू टू दिस warmness, due to warmness of this wind, and hence we can do agriculture on the eastern slopes, on the eastern foothills of the Rockies throughout the year. So that's why it is a warm wind. A similar type of wind is blowing in Europe, which is also known as Foehn. It is blowing on the northern slopes of the कौनसी range है Europe में? Alps. So अगर हम यहाँ Mediterranean का map बना देंगे, सो ऊपर उसके एल्प्स हो जाएंगे मेडिटेरियन के मैप के ऊपर, और उनके एल्प्स के नॉर्दर्न स्लोप्स पे, ऊपर वाले स्लोप्स से, नॉर्दर्न स्लोप्स पे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ दिस फोन विंड. एंड इसीलिए इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है, स्विट्जरलैंड इज ऑल्सो नोन एज क्लाइमेटिक ओएसिस, वहाँ का वेदर इतना अच्छा है. तो क्यों अच्छा है? विंटर्स में वहाँ फोन बहती है, फोन इज अ वार्म विंड. अंडरस्टूड? चिनूक एंड फोन, डॉक्टर विंड. दिस इज अ मैप ऑफ द अफ्रीका. वी हैव द सहारा डेजर्ट इन द नॉर्थ अफ्रीका. इन दिस सहारा डेजर्ट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाइपर एरिड ड्राई विंड्स which are known as hermitian winds. These will flow, चलो पूरा मैं बना ही देते यार, मन कर गया. वहाँ की मैप की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इतना ही चाहिए हमें. सो हमने कहाँ कहाँ पढ़ ली? हेयर वी हैव द रॉकीज, हेयर वी हैव द एल्प्स, दिस इज द सहारा डेजर्ट. वी हैव कवर्ड द चिनूक विंड, मैंने क्या बोलता, ईस्टर्न फुटहिल्स ऑफ द रॉकीज, वो हमारी हो गई. फोन द नॉर्थ, नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द एल्प्स, फोन हो गई. डॉक्टर एंड हर्मिटन विंड्स, दे हैव द ओरिजिन इन द सहारा डेजर्ट एंड दे विल फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट अफ्रीका, यहाँ पे, ठीक है. सो व्हाई दे आर कॉल्ड डॉक्टर विंड्स, भाई एक बात सुनो,
इन द इक्विटोरियल रीजन देर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट. मैंने बोला था एनुअल रेनफॉल एंड द क्लाउड कवर. सो देर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट विच इज अनबियरेबल फॉर द ह्यूमन्स टू एग्जिस्ट देयर, बट स्टिल सम ऑफ द कम्युनिटीज लिव देयर. एज देर इज अ प्रेजेंस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द विंड्स, द अराइवल ऑफ हर्मटन विंड्स ऑन द वेस्ट पार्ट ऑफ द अफ्रीका विल सोक अप ऑल द एक्सेसिव ह्यूमिड एंड दस विल मेक द क्लाइमेट बियरेबल. डेट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज डॉक्टर विंड्स. बात समझ में आ गई. सो दिस वॉज द डॉक्टर विंड्स. एक और विंड है सिरोको. ये सिरोको कहाँ बहती है? एक तो हमने बता दी इधर आती है भाई, जो मजा दे देती है डॉक्टर विंड्स. इन द नॉर्दर्न सहारा डेजर्ट, यहाँ कहीं बहती है सिरोको. इसको शायद से ब्लड रेन भी बोलते हैं, एक बार देख लेना. इट विल फ्लो इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन. As it is originating from the Sahara Desert, it will contain huge amount of sand. As it is passing through the Mediterranean Ocean, it will collect huge amount of water vapor. Thus, when it will reach this particular region, the southern Europe, it will cause huge rainfall. As there is a presence of sand in the water vapor, thus it is also known as blood rain. इसके अब लोकल नाम भी है, जैसे स्पेन में इसको लेवेंटर बोलते हैं, देन यहाँ इजिप्ट में इसको खमसिन बोलते हैं, लिबिया में इसको ग्लिबली बोलते हैं. सो दीज आर ऑल द लोकल नेम्स ऑफ दिस सिरोको रिवर, नॉट रिवर बट द विंड. सो दीज आर the warm winds. Now the cold winds. First of all, the Mistral, Bora and Blizzard. देखो ब्लिजर्ड का तो नाम आपने सुना हुआ है. वो कहाँ ओरिजिनेट होती है भाई? पोल्स पे ओरिजिनेट होती है, जो आपने पोलर वॉर्टेक्स सुना होगा. सो वही लाता है हमारे पास ब्लिजर्ड, एंड डेट विल कवर टू द एक्सटेंट ऑफ द सदर्न स्टेट्स ऑफ द यूएसए. बहुत ही डेंजरस होती है, बहुत ही ज़्यादा अपने साथ तूफान लेके आती है, स्नो लेके आती है अपने साथ, और पूरा तबाह कर देती है कम्युनिकेशन इन द अप टिल द सदर्न स्टेट्स ऑफ द यूएसए. यूएसए में इसको नॉर्दर भी बोला जाता है, नॉर्दर, एंड द सेम विंड इन द साइबेरियन रीजन इज ऑल्सो नोन एज आई थिंक बुरान. एक बार देख लेना, बुरान भी इसको कहते हैं. वो हो गई, निपट गई. मिस्ट्राल, मिस्ट्राल आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो, बट फॉर द सेक ऑफ रिविजन, मिस्ट्राल हैज इट्स ओरिजिन इन द यूरोप. आई हैव टोल्ड यू there are two rivers that has the origination from the Europe. The first is the Rhine river. इसपे इसके banks में शायद से Rotterdam भी situated है. And the second is the Rhone river. The Mistral is flowing at the southern slopes of the Alps. सो नदर्न स्लोप्स में हमने पढ़ा था फोन. ऑन द सदर्न स्लोप्स वी हैव द प्रेजेंस ऑफ मिस्ट्राल रिवर. दिस मिस्ट्राल रिवर, ऑल्दो इट इज़ अ मॉडरेटिंग विंड, मतलब मॉडरेट काइंड ऑफ विंड है, इतनी ज़्यादा इसकी स्पीड नहीं होती है, बट इट विल इवेंचुअली एंटर द रिफ्ट वैली ऑफ रोन एंड इट विल अटेन द स्पीड्स अप टू 120 टू 150 किलोमीटर पर आवर. And thus causing huge damage to life and property as well as communication in this particular part of Europe, South Europe. The practicality of this particular thing we have studied
यू विल नॉट फाइंड द नॉर्थ फेसिंग होम्स इन दिस पार्ट ऑफ द यूरोप. वाई? क्योंकि उनको पता है अगर हमने नॉर्थ फेसिंग हाउसेज बना लिए सो इन द विंटर्स बाई मिस्टाल एंटरिंग द रिफ्ट वैली ऑफ रोन विल डिस्ट्रॉय अवर हाउसेज. सो ऑलवेज देर इज अ साउथ फेसिंग होम्स इन दिस पार्ट ऑफ द यूरोप. देन कम्स द बोरा बोरा. यू कैन सी दीज टू प्रोजेक्शंस. किस किस के प्रोजेक्शन है ये? द फर्स्ट इज इटली, द सेकेंड इज द ग्रीस. इटली और ग्रीस के पेनिनसुला बोल दीजिए इनको, के बीच में वी हैव द एड्रियाटिक सी. देर इज सम लोकल विंड विच हैव देयर ओरिजिनेशन फ्रॉम द ग्रीस एंड दे विल ट्रेवल टूअर्ड द इटली. सो यहाँ से जब ये एड्रियाटिक सी को पार करेगी इन द विंटर्स इट विल गैदर ह्यूज मॉइस्चर एंड देन इट विल रेन इन द इटली. और यही विंड को बोला जाता है बोरा बोरा. और ये इतनी भयंकर विंड है कि इटली में 2-3 से 4-5 फुट बर्फ जम जाती है. तो इतनी तेज़ी स्नोफॉल करती है वहाँ. अंडरस्टूड? सो वी हैव कवर्ड अवर वॉर्म विंड्स चिनूक इन ईस्टर्न फुटहिल्स ऑफ द रॉकीज, फोन ऑन द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द एल्प्स, डॉक्टर और हर्मटन विंड्स सहारा डेजर्ट ओरिजिनेशन फ्लो टुवर्ड द वेस्ट अफ्रीका देयर बाई अब्जॉर्बिंग द एक्सेसिव मॉइस्चर एंड गिविंग अ मॉडरेटिंग इफेक्ट टू दिस रीजन, हेंस कॉल्ड एज डॉक्टर विंड्स एंड सिरोको ऑल्सो नोन एज द ब्लड रेन. इट विल हैव देयर ओरिजिन इन द नॉर्दर्न सहारा डेजर्ट. इट विल कैरी सैंड विद हिट वाइल क्रॉसिंग द मेडिटेरेनियन. इट विल टुक अप द मॉइस्चर ऑल्सो एंड इट विल रेन इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ द यूरोप. दस इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज ब्लड रेन एज द सैंड इज मिक्सड विद द रेनफॉल. द मिस्टाल इट विल फ्लो ऑन द सदर्न स्लोप ऑफ द एल्प्स. इट विल इवेंचुअली get into the rift valley of the Rhone river thus causing huge damage to the southern part of the Europe. Thus north facing houses are avoided here. The Bora Bora I have told you they have their origin in the Greece region. When passing through the Adriatic Sea they will carry up the moisture and they will have sorry they will give huge snowfall over the Italy. This is known as Bora Bora. And the last is the blizzard. I have told you the origin is from the poles. North pole mein hum generally lenge kyunki Antarctica mein south pole mein hum kya karenge dekh ke. So in the north pole the origin of blizzard and then it will have the effect up till the southern states of the USA. Bahut hi tagdi wind hoti hai, bhayankar wind hoti hai. Local नेम क्या है? यूएसए में नॉर्दर एंड साइबेरिया रीजन में बुरान बोलते हैं. सो आई थिंक दिस विल कंक्लूड अवर टुडेज क्लास. लोकल विंड्स की डेफिनेशन तो भूल ही गए, पर लोकल विंड्स की डेफिनेशन कोई बताने की चीज़ है क्या? आपको भी पता है द विंड्स डेट विल अफेक्ट अ स्मॉल रीजन इज नोन एज लोकल विंड्स. और इन्हीं विंड्स को बोलते हैं टर्शियरी विंड्स. सो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. तब तक के लिए गुड बाय. जय हिंद.